अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मेजबीन यासीन है और मैं मॉडर्न हॉस्पिटल में बतौर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ। आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ वो है डायलिसिस। अमूमन लोगों में डायलिसिस का एक खौफ पाया जाता है, जिसकी वजह से मुझे लगा कि आज इस टॉपिक को हमें आपसे डिस्कस करना चाहिए। सबसे पहली जो बात मैं आपसे डिस्कस करूँगी वो है डायलिसिस है क्या। डायलिसिस खून और ब्लड की बॉडी की सफाई का एक नाम है। इसको करने के दो तरीके हैं, एक को हम हीमोडायलिसिस कहते हैं और दूसरे को पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस में मरीज़ के जिस्म से खून लेकर उसको मशीन के ज़रिए साफ करके उसके जिस्म में दाखिल किया जाता है, जबकि पेरिटोनियल डायलिसिस में जो है वो मरीज़ के पेट की झिल्ली की मदद से जो है वो उसका डायलिसिस किया जाता है। ऐसे लोग जिनका पेशाब मुकम्मल तौर पर बंद हो जाए या उसमें कमी वाकया हो, उनको भी डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा यूरिया क्रिएटिनिन इतना बढ़ जाए कि मरीज़ का वज़न कम होने लगे या फिर उसको भूख कम लगने लगे और मुस्तकिल उल्टियों की कैफियत हो, इस कंडीशन में भी डायलिसिस करना पड़ता है। या फिर नमकियात पोटाशियम का लेवल इतना बढ़ जाए जो कि दिल के लिए जानलेवा साबित हो सकता है, उसके लिए भी हम डायलिसिस करते हैं। आजकल जो सबसे कॉमन बीमारियां हैं वही बीमारियां हैं जो गुर्दों को नाकारा करती हैं, गुर्दों के काम को कम करती हैं और जिसकी वजह से मरीज़ डायलिसिस तक चला जाता है। वो बीमारियां शुगर, ब्लड प्रेशर, गुर्दे में पथरी का होना, ये तीन बीमारियाँ बहुत कॉमन है जिसकी वजह से जो है मरीज़ का डायलिसिस से करीब हो जाता है। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि जो है वो अगर एक बार डायलिसिस हो तो क्या ये ज़िंदगी भर चलता है। ज़रूरी नहीं है, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनको हम गुर्दे की आर्जी बीमारियां कहते हैं, एक्यूट किडनी इंजरी। उनमें क्या होता है कि मरीज़ को चंद दिनों, चंद हफ़्तों के लिए डायलिसिस पे रखना पड़ता है, डायलिसिस करने की ज़रूरत पेश आती है और उसके बाद मरीज़ मुकम्मल तौर पर डायलिसिस फ्री हो जाते हैं। अलबत्ता कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कि गुर्दे की दायमी बीमारियां हैं, जो पुरानी चल रही होती हैं और जब मरीज़ को पता चलती हैं तो उस वक्त डायलिसिस करना पड़ता है। डायलिसिस मरीज़ की जान को सेव करता है। ऐसे मरीज़ जो मौत के करीब पहुंच जाते हैं गुर्दे को नाकारा होने की वजह से, डायलिसिस उनको एक नई ज़िंदगी देता है। इसके अलावा वो मरीज़ जिनके गुर्दे कमज़ोर हो जाते हैं और उनको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे लोगों में डायलिसिस उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा बनाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो थोड़े से माइंड में कन्फ्यूजन और सवालात थे वो डायलिसिस से रिलेटेड आपके क्लियर हो गए होंगे। शुक्रिया।